गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर लेसन वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म टॉपिक इज गर्ल्स बिगैन गोइंग टू स्कूल। जब लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिनको लगा कि लड़कियां जो हैं उनके लिए अगर उन्होंने अपनी कंडीशन को सुधारना है तो उसके लिए उनका स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लेकिन जो रूढ़िवादी लोग थे वो ये मानते थे कि जो लड़कियां हैं उनको क्या होगा स्कूल जब वो जाएंगी, दे फियर दैट स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। उनको लगा, लोगों को डर था कि अगर उनको स्कूल भेज दिया गया तो क्या होगा, वो घर के कामों से दूर हो जाएंगी और वो अपनी जितनी भी उनकी डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं, घर के बारे में उनके जो ड्यूटीज़ हैं उनको वो भूल जाएंगी। और जो गर्ल्स थी, एक और बात थी, उनको क्या करना पड़ता था, जब भी वो स्कूल जाएंगी अगर, तो उनको बहुत सारी ऐसी पब्लिक प्लेसेस होंगी जहाँ से निकल कर जाना होगा। मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स। और फिर क्या था कि लोगों को लगता था कि अगर लड़कियाँ जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस से निकल कर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, हो सकता है उनके ऊपर एक बुरा प्रभाव आए। इसी वजह से जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, हस्बैंड्स थे, उन्होंने अपनी वाइफ्स जो थी उनको घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। समटाइम्स रेड अबाउट राजसुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, शी वॉज वन ऑफ द दोज हुज सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द कैंडल्स एट नाइट। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रोक लगाई जाती थी, तो क्या हुआ कि जो राजसुंदरी देवी थी उन्होंने क्या किया कि जब बहुत अंधेरा हो जाता था तो वो कैंडल की लाइट में पढ़ाई किया करती थी। या फिर ऐसी भी बहुत सारी लेडीज़ हुई जिन्होंने अपने जो बच्चे थे उनकी बुक्स से पढ़ना शुरू किया। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल्स एंड गर्ल्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय दारिस मज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र। तो क्या हो गया कि अलग अलग जगहों पर लड़कियों के लिए स्कूल्स जो थे वो खोले जाने शुरू कर दिए गए, जिससे कि क्या है, गर्ल्स को एजुकेशन की ओर बढ़ाया जा सके। वुमेन राइट अबाउट वुमेन, बहुत सी ऐसी औरतें थी जिन्होंने औरतों के बारे में लिखना शुरू किया। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन, दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकटा। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे गर्ल्स के जो थे स्कूल्स जो थे वो खोले जाने शुरू कर दिए। पंडिता रमाबाई अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत फेल्ट दैट हिंदुज़म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन एंड रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पुणे टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स। हेयर वुमेन वर ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्स इकोनॉमिकली। अब बहुत सारे रिफॉर्मर्स ऐसे हुए जिन्होंने देखा कि जो औरतों की कंडीशंस ऐसी हैं, उसमें बहुत सारी औरतें ऐसी हुई जिसमें कि पंडिता रमाबाई का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, जो एक संस्कृत की स्कॉलर थी और उन्होंने क्या देखा कि जो ये हमारा हिंदू समाज है इसमें औरतों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है। इस वजह से उन्होंने उसके ऊपर एक बुक भी लिखी और उन्होंने पुणे में जाकर एक विडोज़ के लिए एक शेल्टर होम बनाया जहाँ पर उन्होंने उन विधवाओं को रखा जिनके साथ की घरों में उनके हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स जो थे वो बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उस स्थिति में उन्होंने क्या किया कि उनको कुछ ना कुछ कामकाज जो था वो सिखाना शुरू किया, जिससे वो कामकाज सीखकर सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन्स जो हैं वो बन सकें। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, एक और हमारे समाज में जो कुरीति फैली हुई थी वो क्या थी, जाति का जो भेदभाव था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। राममोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वॉज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। द प्रार्थना समाज एडहर्ड टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन द स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। ठीक है, उन्होंने वही पुराने जैसे बुद्धिज़्म था दोबारा से पुरानी टेक्स्ट बुक्स को एक्सप्लेन करना शुरू किया, जिसमें कि लिखा गया था कि
स्पिरिचुअल मेथड क्या था कि सभी जो है इक्वालिटी बेस्ड था, सभी जाति धर्म लड़का लड़की सब में किसी भी भेदभाव की ज़रूरत नहीं है। वो मानते थे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, जो गॉड है वो सबके लिए बराबर है और सभी उसके लिए बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उन्होंने भी अपने स्कूल्स जो थे वो यहाँ पर खोलने शुरू किए। क्रिश्चियन मिशनरीज बिगैन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर द ट्रिबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। दीज चिल्ड्रन वर दस इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू अ चेंजिंग वर्ल्ड। मिशनरीज जो थे उन्होंने लोअर कास्ट जो लोग थे उनके लिए स्कूल खोले ताकि क्या हो कि जो समाज है उसमें क्या किया जा सके, लोगों की अपलिफ्टमेंट जो है वो की सके, जो छोटी जाति के लोग हैं उनकी अपलिफ्टमेंट जो है वो की जा सके। और उसके अलावा एट द सेम टाइम द पुअर बिगैन लीविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज। उसके अलावा और क्या हुआ कि उसी समय पर जब लोगों क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो लोगों के लिए काम कर रहे थे, उसी समय पे बहुत सारे गांवों में जो लोग थे उन्होंने जॉब की खोज के लिए शहरों में जाना शुरू कर दिए। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप एंड जॉब्स इन द म्यूनिसपैलिटीज। बहुत सारी फैक्ट्रीज जो थी वो लग रही थी जिसमें कि बहुत सारे लोगों को काम जो था वो मिल सकता था और बहुत सारी लेबर जो थी वो वहाँ पर जा रही थी जिससे कि लेबर क्लास जो थी उनको वहाँ पर काम मिलना शुरू हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड्स फॉर द इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। अब हमने ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। क्या उन्होंने क्या किया कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था उसको रोककर उन्होंने सोशल जो इक्वालिटी थी और उसके लिए जस्टिस की डिमांड जो थी वो करना शुरू कर दिया। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाई घासीदास हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। जो घासीदास थे उन्होंने एक सतनामी मूवमेंट चलाया जो कि लेदर वर्कर्स थे जिनको कि छोटा काम जो था लेदर के काम को माना जाता था और उनको छोटी जाति के लोग कहा जाता था और उनके साथ क्या था भेदभाव किया जाता था, जिसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने इसके लिए स्टेप उठाए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुलामगिरी। ज्योतिराव फूले जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी। उन्होंने 1873 में एक बुक लिखी जिसका नाम गुलामगिरी था और जिसका मतलब होता है दास प्रथा। सम 10 ईयर्स बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड फॉट लीडिंग टू द एंड ऑफ द स्लेवरी इन अमेरिका। क्योंकि उससे कुछ 10 साल पहले ही अमेरिका में जो एक सिविल वॉर हुई, सिविल वॉर होती है गृह युद्ध एक हुआ था जिसमें कि अमेरिका में जो थी ये दास प्रथा जो थी ख़त्म की गई थी। और फूले क्या कहते थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू फूले द अपर कास्ट्स हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द इंडिजीनियस पीपल द सो कॉल्ड लो कास्ट। निका जो अपर कास्ट के लोग हैं एक्चुअल जो ज़मीनें हैं एक्चुअल जो काम होता है वो किसका होता है, जो जो उसके ऊपर काम करता है। निका कि ये ज़मीनें अगर हम रियलिटी में देखें तो ये ऊंची जाति के लोगों की ना होकर ये किन लोगों की होनी चाहिए, जिस पर जो लोग जो हैं वो काम करते हैं। फूले क्लेम्ड दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज व्हेन वॉरियर पीजेंट्स टिल द लैंड एंड रूल द मराठास कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज। ही प्रपोज दैट शूद्रास लेबरिंग कास्ट एंड अति शूद्रास अनटचेबल्स शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। द सत्य शोधक समाज एन एसोसिएशन फूले फाउंडेड प्रोपिगेटेड कास्ट इक्वेलिटी। फूले ने एक संस्था बनाई जिसका सत्य शोधक समाज जो था वो बनाया गया, जिन्होंने क्या किया इस जाति का जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए काम किया था। Who could enter temples? अब क्या था कि ये जो जाति का भेदभाव था ये बहुत ज़्यादा था, जिसमें क्या था कि लोगों को मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी। बी आर अम्बेडकर जो थे वो भी एक छोटी जाति में पैदा हुए थे,
एज अ चाइल्ड उनका एक्सपीरियंस क्या था, उन्होंने स्कूल में अपनी डेली डे टू डे जो लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा अपने साथ ज़्यादतियाँ देखी थी। उन्होंने स्कूल में देखा था कि उनको क्लासरूम में ग्राउंड ज़मीन पर बैठना पड़ता था, और उसके अलावा उनको जो वाटर टैप्स होते थे वहाँ पर जहाँ अपर कास्ट के बच्चे पानी पीते थे वहाँ पर उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था। और जब उनका स्कूल ख़त्म हुआ तो वो US गए थे हायर स्टडीज़ के लिए, और जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि हमारे देश में अभी भी क्या है, जो जाति का भेदभाव जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑन हिज रिटर्न इन इंडिया इन 1919 ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन द कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। तब उन्होंने क्या लिखा कि अपने हमारे देश में जो ऊंची जाति के लोग हैं उन वो किस तरह का बिहेवियर देते हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा। इन 1927 अंबेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन विच हिज महर कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड। ब्राह्मण्स प्रीस्ट्स वर आउटरैक्ड व्हेन द दलित्स यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक्स। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने 1927 में एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो था उसको स्टार्ट किया था, और उसके जो उनकी महर जाति के लोग थे वहाँ पर उन्होंने भी उनका साथ दिया था। अम्बेडकर लेड थ्री सच मोमेंट्स फॉर द टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1935। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ द कास्ट प्रिजुडिस विद इन सोसाइटी। अब क्या था, उन्होंने तीन ऐसे मोमेंट्स 27 से लेकर 1935 तक में किए जिससे कि लोगों को पता चल सके कि जो जाति का भेदभाव होता है ये आखिर होता क्या है और किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। द नॉन ब्राह्मण्स मोमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, द नॉन ब्राह्मण्स मोमेंट स्टार्टेड, द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू द नॉन टू द एजुकेशन वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। बहुत सारे ऐसे नॉन ब्राह्मण्स थे जिन्होंने कि जाकर एजुकेशन ली और उन्होंने फिर उसके बारे में बहुत सारे मोमेंट्स चलाए जिससे कि जो ब्राह्मण जो हैं जो अपने आप को बहुत ऊंचा शो करते हैं उनको क्या किया जा सके, बहुत सारे उनके साथ उनकी पावर्स को चैलेंज किया जा सके। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार एज ही वॉज कॉल्ड केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। ही हैड बीन अ एस्थेटिक इन हिज अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली। लेटर ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस ओनली टू लीव इट इन द डिसगस्ट व्हेन ही फाउंड दैट एटलीस्ट ऑर्गेनाइज्ड एट अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनलिस्ट सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉलोज कास्ट डिस्टिंक्शंस। ठीक है, जो पेरियार थे इन्होंने क्या देखा कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ, छोटी जाति और ऊंची जाति का भेदभाव जो था वो किया गया। तो पेरियार जो थे उन्होंने फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उन्होंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो था वो चलाया था। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो हमारी हिंदू धार्मिक पुस्तकें हैं उन्होंने कहा कि उसमें भी क्या है कि जो ही सेड दैट दीज टेक्स हैड बीन यूज्ड टू एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन। उन्होंने कहा कि जो हमारी ये बुक्स हैं इनमें भी क्या है कि जाति का भेदभाव जो है वो दिखाया गया, ब्राह्मण जो है वो हमेशा ऊंची पदवी पर दिखाए गए हैं, तो इससे क्या है कि वो छोटी जाति के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं, और जो पुरुष प्रधान समाज हमारा हमेशा रहा है जो औरतों के साथ हमेशा ज्यादतियाँ करता रहा। द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एसोसिएशंस वॉज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शंस एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदुइज्म एंड शो हाउ दिस वॉज इस जो हमने जो इन्होंने ये की थी मीटिंग्स की जो बहुत सारे अपने अपने मोमेंट्स चलाए इनमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि ये जो डिस्टिंक्शंस की गई हैं आपस में जाति की भेदभाव की इसको हमें बिल्कुल ख़त्म करना होगा। ऐसा ही समय तब भी रहा, ये देखिए बहुत सारे जो आपके रिफॉर्मर मूवमेंट थे वो चलाए गए, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, उसके बाद क्या था रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद की स्थापना की गई, प्रार्थना समाज बनाया गया, वेद समाज बनाया गया, और उसके अलावा अलीगढ़ मूवमेंट हुआ, और फिर सिख सभा मूवमेंट जो था वो चलाया गया, और उसके अलावा ये जो ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटर्स फ्रॉम द टाइम
that the Europeans explorers and traders landed in Africa in 7th century, our trade in the slaves began. जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स जो थे वो अफ्रीका में गए तो वहाँ से क्या हुआ, दास व्यापार जो था उसकी शुरुआत हुई थी. ब्लैक पीपल वर कैप्चर्ड एंड ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका. वहाँ से क्या किया जाता था, काले लोग जो थे उनको पकड़कर अफ्रीका से अमेरिका लाया जाता था, और जो वाइट प्लांटर्स होते थे जिनको की लेबर की ज़रूरत होती थी वहाँ लाकर उनको बेच दिया जाता था, और फिर वो उनसे बहुत सारा काम करवाते थे और उनको बहुत लंबे उनके वर्किंग आवर्स होते थे, उनको अगर वो काम नहीं करते थे तो उनको बहुत सारी पनिशमेंट दी जाती थी और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर जो था वो किया जाता था. और जब हमारे ये बी आर अम्बेडकर जो थे जब अमेरिका से वापस आए थे तो वहाँ पर उस समय पर दास प्रथा का जो था वो अंत हो गया था, और उन्होंने आकर देखा था कि इसी तरीके से मोमेंट्स चलाकर क्या है, सारी जो कुरीतियाँ समाज में उनको ख़त्म किया जा सकता.